हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता, स्वागत आप सभी का चटपटी प्लेट के एक नए एपिसोड में। आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना। बच्चे यानी कि 6 महीने के बच्चे, 6 महीने से पहले तो बच्चे वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क लेते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को आप सॉलिड फूड दीजिए। मैं आज आपको बताऊंगी इतनी आसान रेसिपी जो कि वर्किंग मॉम्स भी आसानी से फॉलो कर सकती है। आप लीजिए एक एप्पल, एप्पल को छील लीजिए और उसको काट कर बॉईल कर लीजिए या 2-3 सीटी कुकर में लगा लीजिए और उसकी स्टीम निकलने के बाद एप्पल निकाल कर उसे मैश कर लीजिए। मैश करके उसे या तो उसे ब्लेंडर से मिक्स कर लीजिए और उसमें 1 चुटकी दालचीनी का डालिए और बच्चों को खिलाइए। बच्चों को इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। अगर मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आप एक मैंगो लीजिए, मैंगो को छीलिए और उसका प्यूरी निकाल कर उसको छान लीजिए। छान कर उसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ना मिलाएं, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल स्वीटनेस होती है, इसलिए बच्चों को आप ऐसे ही खिलाइए। बच्चों को इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। बाज़ार में ओट्स मिलते हैं, ओट्स का पाउडर बनाइए और 2 कप पानी उबालिए। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो आप उसमें 2 से या 3 चम्मच ओट्स पाउडर मिला दीजिए। जब वो अच्छे से पक जाए तो आप उसे ठंडा कीजिए। आप उसे ठंडा करके उसमें बनाना मैश करके डाल सकते हैं। अगर शलगम का सीज़न है तो शलगम को मैश करके डाल दीजिए उसमें। गाजर को घिस के डाल दीजिए, कुछ भी ऐसा घिस के डाल दीजिए उसमें और बच्चों को खिलाएं। बच्चों को इसका स्वाद भी बहुत पसंद आता है। आप थोड़ा सा पम्पकिन लीजिए, पम्पकिन को छील कर काट लीजिए और उसे 1 कप पानी में उबाल लीजिए। जुकीनी अगर मिलती है आसानी से तो आप जुकीनी लीजिए, उसको छील के काटिए और उसको बॉईल करिए। उसको मिक्स कर कर बच्चों को छान कर दीजिए। बच्चों को इसका स्वाद भी बहुत पसंद आएगा। अभी बच्चों को किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं मालूम है, ना नमक का ना चीनी का। आप उनको जो खिलाएंगे उनको पसंद आएगा, लेकिन आपको देखना है कि एक एक दो दो चम्मच ही खिलाने हैं। ये नहीं कि आप उनको ओवर ईट कराएं या कुछ भी कराएं, ऐसा नहीं। आप उनको धीरे धीरे खिलाइए और बच्चा धीरे धीरे ही खाना सीखेगा। आप बच्चे को खिचड़ी बनाकर भी खिला सकती हैं, लेकिन आपको अभी चावल की खिचड़ी नहीं बनानी है। पहले आप चावल को पीस लीजिए, उसके आटा लेकर उसको पानी में उबाल कर बच्चों को दीजिए। उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए ताकि बच्चों को नमक का भी टेस्ट मालूम हो। धीरे धीरे शुरू में बच्चों को धीरे धीरे खिलाएं, बच्चों को धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी खाना खाने की। अगर आप भी अपनी कोई रेसिपी हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।